माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की। बोला सर, तुम्हारे अत्याचारों ने तुम्हें भले ही पृथ्वी का सम्राट घोषित कर दिया है, किंतु तुम्हें अपने आक्रमण का केंद्र पृथ्वी नहीं स्वर्गलोक को रखना चाहिए। अवश्य गुरुदेव, ऐसा ही होगा। उसने पृथ्वी पर अपने अत्याचार से राजाओं को अपने अधीन कर लिया है। स्वर्गलोक को युद्ध में जीतने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा है। यदि उसने परम पिता से वरदान प्राप्त कर लिया तो घोर अनर्थ हो जाएगा। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। कल्याण है पुत्र, प्रतीत होता है पुनः मेरे पुत्र को कोई जिज्ञासा यहाँ तक खींच लाई है। नारायण नारायण, जिज्ञासा ही कुछ ऐसी है। स्पष्ट कहो पुत्र, क्या कहना चाहते हो? आपको तो ज्ञात ही होगा, आपको प्रसन्न करने के लिए दैत्यराज कोलासुर पूर तपस्या में लीन है। मुझे ज्ञात है नारद, परंतु ये ज्ञात नहीं है कि वो किस उद्देश्य से तपस्या कर रहा है। नारायण नारायण, असुरों का तो एक ही उद्देश्य होता है पिता, शक्ति एवं अमरत्व की प्राप्ति। अब आप इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर क्या फल देंगे? तो तुम्हारी यही जिज्ञासा है कि मैं किसी की तपस्या का क्या फल दूंगा? पुत्र, जब कोई किसी विशेष इच्छा से तप करता है तो उसे उसके तपस्या के फल स्वरूप वरदान प्राप्त होता है। और यह विधि का विधान है कि चाहे कोई देव हो, मानव हो या दानव, सबको उसकी तपस्या के अनुसार ही उसे वरदान प्राप्त होता है। किंतु पिताश्री, यदि तप करने वाले की इच्छा अनुचित कार्य के लिए हो तो भी उसे मनोवांछित वरदान देना पड़ेगा। नारायण नारायण, वैसे भी समुद्र मंथन के पश्चात अमर होने की इच्छा हर असुर के मन में है, और उसे करने के लिए वो कुछ भी करने को प्रस्तुत रहते हैं। बस उन्हें तो एक ही मार्ग ज्ञात है, देव की तपस्या करो और मनोवांछित फल में अमरता का वरदान प्राप्त करो। यहाँ कोई भी अमर नहीं हो सकता, यही प्रकृति का नियम है और सबको इसका पालन करना होता है। इस सत्य से मैं भलीभांति परिचित हूँ कि कोई भी अमर नहीं हो सकता। इस सृष्टि के एवं आपके बनाए हुए नियमों का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि असुरों की तपस्या का एक ही हेतु होता है, स्वर्ग लोक पर अपना अधिपत्य प्राप्त कर। तुम चिंतित मत हो पुत्र, मैं देवलोक की गरिमा का ध्यान रखूंगा। मुझे चलने की आज्ञा दे पिताजी। नारायण नारायण। कोलासुर की तपस्या का तेज बढ़ता ही जा रहा है, ये असुर भी वरदान पाकर पृथ्वी पर अत्याचार करेगा। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। कौन रोक सकता है इसे? क्या करूं दैत्य गुरु? अब वही मेरी मदद कर सकते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कृपया दर्शन दीजिए। प्रणाम दैत्य गुरु। प्रणाम देवी, कहिए कैसे स्मरण किया? दैत्य गुरु, मैं कोलासुर के तप के प्रभाव से होने वाले चारों ओर के परिवर्तन को देख रही हूँ। धरती हरी भरी, झीलों, सरोवरों और नदियों में जल भरा हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसी अप्राकृतिक घटना घटित हो रही है, मेरी चिंता और बढ़ती जा रही है। यह तो उसके तप के प्रताप का परिणाम है देवी। किंतु दैत्य गुरु, ये तो आप भी जानते हैं कि प्रकृति की ऐसी घटनाएं यदि प्राकृतिक रूप से घटित हों
तभी सबके लिए कल्याणकारी होती है। यूं असमय प्रकृति में कोई परिवर्तन आना अवश्य ही किसी प्रकार के अनर्थ का कारण बनता है। क्या आप कौलासुर की तपस्या को रोक नहीं सकते? देवी, यहाँ तो अनर्थ के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे। दैत्य गुरु, मैं तपस्या के वरदान और वरदान के परिणाम से भयभीत हूँ। आप तो असुरों की प्रवृत्ति को जानते ही हैं। कौलासुर वरदान की शक्ति को पाकर धरती को रक्त रंजित और धर्म विहीन कर देगा। इससे प्रकृति, देव, दानव, मानव सबका अस्तित्व संकट में आ जाएगा। गुरु, देवी, वो असुर है। अपनी प्रवृत्ति और अपनी प्रकृति को त्यागना उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु उसकी भक्ति का फल तो ब्रह्मदेव को देना ही होगा। और ये तो आप भी भली भांति जानती हैं कि किसी की तपस्या को भंग करना अनुचित है। आपको उचित समय की प्रतीक्षा करनी होगी। देवी, इतने वर्षों बाद कोई दैत्य उन्हें असुरों की रक्षा के लिए प्रयास कर रहा है। तपस्या करने का अधिकार तो सभी को है, चाहे वो कोई मानव हो या असुरराज कौलासुर। परमपिता, रक्षा कीजिए। परमपिता। प्रणाम प्रणाम। क्या हुआ देवराज, आप इतने व्यथित क्यों हैं? परमपिता, कौलासुर बहुत भीषण तपस्या कर रहा है। यदि उसे इसी क्षण रोका नहीं गया तो अनर्थ हो जाएगा। परमपिता, मेरी आपसे विनती है कि आप किसी भी प्रकार से उसकी तपस्या को भंग कर दीजिए, अन्यथा उसके तपस्या के पूर्ण होने के पश्चात फल स्वरूप आप उसे किसी भी प्रकार का वरदान न दे। परमपिता, मैं ऐसा नहीं कर सकता देवराज। तपस्या का वरदान देना विधि का विधान है। विधि के विधान का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता देवराज। तपस्या करने वाले को तपस्या का फल प्राप्त होता ही है। जो जगत कल्याण हेतु तप करता है वो मोक्ष का अधिकारी होता है, और जो तप द्वारा शक्ति अर्जित करके जगत को प्रताड़ित करता है एक दिन उसके पुण्यों का क्षय होता है और वो मृत्यु को प्राप्त होता है। यही सृष्टि का नियम। आपका कथन सत्य है परमपिता, किंतु परमपिता सृष्टि के कल्याण हेतु हम सबको एक साथ मिलकर विचार करना होगा। उसके पश्चात जो विधान होगा वो तो होगा ही। परमपिता, मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम देवी, आज आप अकस्मात आकाशलोक में? ब्रह्मदेव, हम आप ही के पास आ रहे थे। दैत्यराज कौलासुर आपकी तपस्या कर रहा है, कहीं आप उसे ऐसा वरदान मत दे दीजिएगा जिससे पृथ्वी की दशा और बिगड़ जाए। आप चिंता ना करें देवी, ये तो विधि का विधान है और मेरी विवशता भी कि हर तपस्या करने वालों को उसका मनोवांछित फल देना ही होता है। परंतु आप निश्चिंत रहें, मेरा वरदान आपकी चिंताओं का ध्यान रखेगा। देवी, आप धैर्य रखें और समय की प्रतीक्षा करें। प्रणाम ब्रह्मदेव। ओम ब्रह्मा
कोलासुर, नेत्र खोलो वत्स। ओम ब्रह्माय नमः। नेत्र खोलो कोलासुर, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। प्रणाम ब्रह्मदेव। दैत्यराज कोलासुर, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, वरदान मांगो। हे ब्रह्म पितामह, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। इस पृथ्वी पर कोई अमर नहीं रह सकता कोलासुर, चाहे वो किसी भी योनि का हो। ये विधि का विधान है कि इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, अतः मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो, अतः मैं तुम्हें ये वरदान दे सकता हूँ कि जिससे तुम्हें भय लगता हो तुम्हारी मृत्यु उससे ना हो। हे ब्रह्मदेव, आप मुझे वर दें कि इस संसार का कोई भी मनुष्य, जीव जंतु, यक्ष गंधर्व मुझे ना मार सके और त्रिदेव भी मेरा वध कभी ना कर सके एवं त्रिदेवियां भी मुझे कभी ना मार पाए। हे परम पितामह, यदि आप मुझे ऐसा वर देंगे तो मैं अमर ही हो जाऊंगा। तथा तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मैं आज ये चाहता हूँ कि आज से इंद्रलोक के सिंहासन पर मेरे स्थान पर आप बैठे। आप ही इंद्रलोक के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करें। मैं इंद्रलोक के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते करते पूर्ण रूप से थक चुका हूँ। कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही? ये आज देवराज को हो क्या गया है? एकाएक स्वामी के मन में देवराज पद से संन्यास देने की इच्छा कैसे जागृत हो गई? कुछ तो है जो ये मुझसे छुपा रहे हैं। मुझे इसका पता लगाना होगा, परंतु कैसे पता लगाऊं? नारायण नारायण। प्रणाम देवराज। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवीशचि। प्रणाम देवर्षि, आप एकाएक इंद्रलोक में? नारायण नारायण, आप सबसे भेंट करने का मन हुआ सो चला है। देवराज, आप बड़ी ही दुविधा में दिखाई दे रहे हैं। क्या कोई भय आपको यहाँ सता रहा है? देवराज, अभी तक आपने देवी शशि को कुछ नहीं बताया। यदि आप नहीं कह पा रहे हो तो मैं ही बता देता हूँ। देवी शशि, आप कितनी भी छुपाने का प्रयास क्यों ना कर ले, देवर्षि नारद से कुछ भी छिपा नहीं सकती। नारायण नारायण। देवर्षि, हम सब सभागृह में चल के बात करते हैं ना। नारायण नारायण। देवराज, देवऋषि, आप कुछ अवश्य विशेष बात बताना चाहते हैं, कहिए क्या बात है वो? बात तनिक गंभीर है देव। दैत्यराज कोलासुर की तपस्या फलित हो गई। हे ब्रह्मदेव, आप मुझे वर दें कि इस संसार का कोई भी मनुष्य, जीव जंतु, यक्ष गंधर्व मुझे ना मार सके और त्रिदेव भी मेरा वध कभी ना कर सके एवं त्रिदेवियां भी मुझे कभी ना मार पाए। तथा नारायण। अच्छा, तो ये बात थी, तभी स्वामी मुझसे स्वर्ग लोक का कार्य संभालने के लिए कह रहे। वही मैं सोचूं कि एकाएक स्वामी मेरे ऊपर इतना प्रेम क्यों दिखा रहे। क्या हुआ देवी? स्वामी, आप
आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? आपको क्या आवश्यकता थी व्यर्थ में ही मेरी इतनी छोटी प्रशंसा करने की? देवी शची, ये इंद्रलोक आपका है, आप ही संभालिए इसे। देवी शची, देवी शची सुनिए तो सही, ये इंद्रलोक आपका भी है। देवी देवी नारायण नारायण। देवी, आज आपके कारण देवी शची मुझसे रुष्ट होकर चली गई। अरे आपको तो मेरी सहायता करनी चाहिए थी, अब आप ही मेरी समस्या का निदान करें। नारायण नारायण। देवराज, मैं तो आपसे यहाँ वार्तालाप करके इस समस्या का समाधान निकालने के लिए आया था, किंतु परिस्थितियां यहाँ और भी विपरीत हो गई। अब आपकी इस समस्या का समाधान अब देवाधिदेव महादेव ही कर पाएंगे। नारायण नारायण। देवऋषि सत्य कह रहे हैं, मुझे महादेव के पास जाना होगा। अब मात्र वो ही हैं जो मेरी इस समस्या का निवारण कर सकेंगे। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण। दैत्य सम्राट प्रधानी कोलासुर, दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहा है। गुरुदेव, ब्रह्मदेव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे मन वांछित फल दे दिया है। अब मैं अजय हूं, अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। अहम ब्रह्मास्मि। दैत्यराज, यह तो बहुत प्रसन्नता का समाचार है। ये सब आप ही के आशीर्वाद का फल है। अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें कि हमें क्या करना चाहिए। महाराज, अब आपको तीनों लोगों पर विजय पताका फहराना है, परंतु ध्यान रखना, शिवलोक पर आप आक्रमण नहीं करें, क्योंकि महादेव सदा से असुरों का पक्ष लेते हैं। यदि उनके साथ विश्वासघात किया, परिणाम बहुत ही भयंकर। गुरुदेव, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अच्छा गुरुदेव, हमें आज्ञा दे। जाओ, तुम्हारा कल्याण। देवराज इंद्र, सावधान, यदि अपने पद को बचा सकते हो तो बचा लो। मेरा शिष्य कोलासुर तुम्हारे इंद्रों पर आक्रमण करने आ रहा है। प्रणाम महादेव। प्रणाम महादेव। देवराज, देवर्षि, आप दोनों एक साथ फैला। महादेव, दैत्यराज कौलासुर ने परम पिता ब्रह्मदेव की भीषण तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया है, और उसके पश्चात वो इंद्रलोक के साथ साथ तीनों लोकों पर भी आक्रमण करने की योजना बना रहा है। देवर्षि, अब ब्रह्मदेव ने उसे वरदान तो दे दिया, अब उसका क्या परिणाम होगा ये तो समय आने पर ही ज्ञात होगा। ब्रह्मदेव के वरदान की अवहेलना तो मैं भी नहीं कर सकता। नारायण नारायण, यदि आप ही ऐसे कहेंगे प्रभु तो हम लोग असहाय हो जाएंगे। प्रभु, देवर्षि और इंद्रदेव की चिंता का निवारण करना आवश्यक है, आपको कुछ तो करना ही होगा। किंतु देव, कोलासुर ने तपस्या की और विधि के विधान के अनुसार ही उसे वरदान प्राप्त। आप तो त्रिलोकी नाथ, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं। कोलासुर करवीर से अपने पाप के साम्राज्य को बढ़ाने का अभियान आरंभ कर रहा है, और आप तो जानते हैं आपका और मेरा करवीर से गहरा संबंध है। आप सत्य कह रही हैं देवी पार्वती। उस स्थान पर तो देवी सती के त्रिनेत्र गिरे थे। प्रभु, उस स्थान पर मैं शक्ति के रूप में स्थापित हूँ, और कोई उस स्थान पर अधर्म और अत्याचार का गढ़ कैसे बना सकता है?
आपका कथन सत्य है देवी पार्वती। उस पवित्र स्थान की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उचित है कि कौलासुर के अत्याचार को रोका जाए। नारायण नारायण, यही तो हम भी कह रहे हैं भोलेनाथ, कौलासुर को रोकने में ही सबकी भलाई है। महाराज, हम आपकी बात समझ चुके हैं, किंतु ब्रह्मदेव के वरदान के प्रभाव से हम त्रिदेवों और त्रिदेवियों से उसका वध कर पाना संभव है। किंतु महादेव, इस समस्या से बचने का कोई उपाय तो होगा? श्री हरि विष्णु जगत पालक और इस समस्या के समाधान के लिए हमें उनके पास जाना होगा, वही कोई युक्ति बताएंगे। नारायण नारायण, शुभस्य शीघ्रं प्रभु। चलिए, कौलासुर की तपस्या के फलस्वरूप उसे वरदान देना भी आवश्यक है, किंतु वरदान के कारण वो अवध हो चुका है और इसीलिए वो निरंकुश हो उठा है, और निरंकुश पर अंकुश लगाना अत्यंत आवश्यक है। श्री हरि, मैं नारायणी हूँ, नारायण और लक्ष्मी की संयुक्त शक्ति, तुम्हारा अंत मेरे हाथों लिखा है, आओ मुझसे युद्ध करो।